हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मधुमालती के प्लांट के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। मधुमालती जो कि समर का प्लांट है और समर में बहुत अच्छे से ये ब्लूम करता है। देखिए आप इसको, ये गुच्छे में ही फूल रहा है और मैं इसके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। गार्डनिंग 101 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस प्लांट को कटिंग से ही बहुत ईजीली लगाया जाता है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाता है और एक हार्डी प्लांट है, इसलिए इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस आप इसमें रेगुलर वाटरिंग और फर्टिलाइजर देते रहें तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया देता है ये। इस प्लांट में एक खूबसूरती ये है कि ये गुच्छे में होता है और दूसरा इसमें तीन कलर होते हैं। जब ये खिलता है तो वाइट रहता है और फिर पिंकिश, उसके बाद रेड हो जाता है, उसके बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें फ्लावरिंग आपको रेगुलर मिलेगी, ये कभी भी बंद नहीं होता है। ये देखिए, इसको मैंने अपने गेट के ऊपर, मेन गेट के ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ जिससे इसमें हरियाली बनी रहती है। और इसके समय समय पर मैं हल्की हल्की प्रूनिंग करती रहती हूँ, हार्ड प्रूनिंग नहीं करती हूँ, जिससे ये और गुच्छे में होता है और पूरे समर ये बहुत अच्छे से चलता है। जाड़े के दिनों में तो ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है कि आपको देख के बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हाँ ये बिल्कुल चलने वाला प्लांट है, बट ये फरवरी के बाद इतनी बढ़िया फ्लावरिंग करने लगता है और ये नवंबर तक चलता है, बहुत अच्छे से खिलता है। और ज़रा सी आप इसकी केयर करिए तो, और इसकी बेल बहुत ऊपर तक जाती है, बट मैं इसको ऊपर ज़्यादा चढ़ने नहीं देती हूँ, मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।